हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के बारे में, और इसमें हैं आपके लिए 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनको कि आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए एमसीक्यूज के शुरुआत करते हैं। और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तराचल से उत्तराखंड कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है, 1 जनवरी 2007 को। बाकी क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर है, पिंडर विधानसभा सीट। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? होपफुली कि आपको ये उत्तर आता होगा, तो मैं भी बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा, नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? ऑप्शन दे रखे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। वैसे ये चारों जो राज्य हैं वो तो हिमालयी राज्य हैं, और मोनाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, यानी बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों का मेयर का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेगार आंदोलन कब और किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है, 13 और 14 जनवरी 1921 में, जो कि बागेश्वर जिले से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, यक्ष के। अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है उसमें यक्ष की निवास की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है कर्णवाश्रम से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? तो अशोककालीन शिलालेख की भाषा है पाली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चनोदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी 1937 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है, उत्तरकाशी में है थांगला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 7,817 मीटर है नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो निम्नलिखित में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तर वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून जिले में। अगला क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, काली नदी के ऊपर पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जल प्रपात के जल में क्या मिलता है? तो वहां मिलता है गंधक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो वो होती है 200 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1863 से 1873 में। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।